5 जनवरी को होने वाले 3 ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सामग्री वितरण का कार्य जारी। शिवपुरी जिले के कोलारा जनपद के अंतर्गत होने वाले 3 ग्राम पंचायत चुनाव में ड्यूटी पर तैनात अमले को सामग्री प्रदान की जा रही है। 3 ग्राम पंचायत खोंकार, अटारा और मोहराई में होना है चुनाव। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ सभी तीनों ग्राम पंचायतें संवेदनशील घोषित। आज सुबह से ही निर्वाचन अधिकारी तहसीलदार ज्योति लक्षाकर और सहायक निर्वाचन अधिकारी नायब तहसीलदार राजेंद्र जाटव के मार्गदर्शन में पूरे अमले को ग्राम पंचायत में किया जा रहा है रवाना। जनपद पंचायत प्रांगण से पूरा अमला वाहनों से किया जा रहा है रवाना। 5 जनवरी को मतदान और 9 जनवरी को होगी मतगणना। कबड्डी खेले जो चाय मिली क्या, ये क्या तैयारियां चल रही है मतदान की? रवानी कर दे पार्टी मतदान दल के लिए। काय के संदर्भ में? पंचायत उप निर्वाचन जो रिक्त पद बांट के और सरपंच। कितने ग्राम पंचायतों में? 3 ग्राम पंचायतें हैं सरपंच पद हेतु और 2 ग्राम पंचायत हैं पंच पद हेतु। इसकी वोटिंग कब होना? 5/1/2023। और इसका चुनावी परिणाम कब निकलेगा? पंच का तो तुरंत मतदान उपरांत पंच का और सरपंच का ईवीएम से गणना 9/1/2023 को की जाएगी। 10 से? हाँ, यहाँ जनपद सभा का 10 में है ना? नहीं, 9 में। 9 में जी जी जी। ये जो बाहर चुनावी तैयारी चल रही वाहन वगैरह की, ये किस लिए चल रही? ये अनुवाद कोलारस के विकास खंड कोलारस में सरपंच के 3 प्रत्याशी, 3 पंचायत हैं अटारा, खोंकर और मोहराई, उसका चुनाव है। और इसके साथ साथ पंच का चुनाव भी है 3 पंचायतों में 5 वार्ड में। ये जो इसकी सामग्री वितरण का कार्यक्रम था, ये 3 जो ये शेष पंचायतें बची हुई हैं, क्या कारण है पहले चुनाव नहीं हो पाए? यहाँ सरपंच के चुनाव इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि ये आरक्षण के कारण अपवर्जित हो गई थी। जिस के लिए आरक्षण था उसका उम्मीदवार नहीं था, इस वजह से पुनः उपचुनाव हुआ। इस बार इन ग्राम पंचायतों में क्या दोबारा से आरक्षण प्रक्रिया हुई? नहीं, आरक्षण नहीं है, अपवर्जन के बाद ये तीनों सामान्य सीट हो जाती है, सामान्य का चुनाव। इसका वोटिंग मतगणना वगैरह का? मतदान 5 तारीख होगा और मतगणना 9 तारीख होगी। मतगणना कहाँ पर होना? मतगणना जनपद कार्यालय। हाँ जी, इन ग्राम पंचायतों में संवेदनशील अति संवेदनशील क्या स्थिति? मोराई सरपंच सारे अति संवेदनशील और पंच संवेदनशील। थैंक यू।